मैं आज आपको बताने आया हूं कि आपको कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में और ओडिशा में किस प्रकार से पैसा देने जा रही है। अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि मीडिया वाले जो है ना, ये आपको नहीं बताएंगे, ये सिर्फ मोदी की बात करें, अंकल जी ये सिर्फ अंकल जी दिखाएंगे आपको, या अंकल जी या फिर आपके नवीन बाबू। यहां पे जो मैं भाषण दे रहा हूं, जहां मैं जनता की बात कर रहा हूं, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगार युवाओं की, ये भाषण आपको टीवी पे नहीं दिखने वाला, क्योंकि ये आपके हैं ही नहीं, ये अदानी जी जैसे लोगों के हैं। तेलंगाना में हमने महिलाओं को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। कर्नाटक में हमने सीधा महिलाओं को बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। यहां पे हमारी सरकार बनेगी तो 2000 रुपए महीने ओडिशा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा हम डाल देंगे। ₹3000 रुपए बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, और जो गैस का सिलेंडर है, जो नरेंद्र मोदी कितने का देता है, नवीन बाबू कितने का देते हैं, 800, 1100, कितने का मिलता है, 1100, ये 500 का हो जाएगा। और ओडिशा की सरकार धान के लिए ओडिशा के किसानों को ₹3000 प्रति क्विंटल देने जा रही है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो तेलंगाना जाइए, कर्नाटक जाइए, और वहां की जनता से पूछ लीजिए, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, वहां पूछ लीजिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो धान के लिए ₹3000 मिलता था, हां या ना, सिलेंडर कितने का मिलता था, पूछ लीजिए, महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा आता है, पूछ लीजिए। तो ओडिशा की सरकार ₹2000 महीने के महिलाओं को देगी, ₹3000 महीने के युवाओं को देगी, किसानों को ₹3000। मगर ये इतना बड़ा काम नहीं है जितना दिल्ली की सरकार करने जा रही है। दिल्ली की सरकार आएगी तो हम क्रांतिकारी काम, हिंदुस्तान की सरकार पहली बार 5 ऐतिहासिक क्रांतिकारी, दुनिया को हिलाने वाले काम करने जा रही है। और आज आप जो सुनोगे आपको मजा आ जाएगा। पहला काम, नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों को दिए। हम हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनाएंगे, हर परिवार में एक महिला का नाम चुना जाएगा। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, और फिर उस महिला के बैंक अकाउंट में 5000 नहीं, 10000 नहीं, 15000 नहीं, 50000 नहीं, 70000 नहीं, 1,00,000 रुपया साल का बैंक अकाउंट में सीधा जाएगा। 8500 रुपए हर महीने घटाघट 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 बैंक अकाउंट में जाएंगे।
साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में, चाहे वो किसान का परिवार हो, मजदूर का परिवार हो, बेरोजगार युवा का परिवार हो, अगर वो गरीब है, बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए खटाखट 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 डालेंगे। देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी दी, अमीर घर के बेटों को अप्रेंटिसशिप मिलती है, टेम्पररी जॉब मिलती है, अदानी का बेटा अदानी कंपनी में जाकर अप्रेंटिसशिप करता है, उसको सैलरी मिलती है, उसको ट्रेनिंग मिलती है, मगर हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को यह मौका नहीं मिलता। वो भटकते रहते हैं उड़ीसा की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर, मुंबई की सड़कों पर। इसीलिए हम एक योजना ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की, पहली नौकरी पक्की। मैं आपको समझा देता हूं। मैडम आप बड़ी खुश हैं, आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए आने जा रहा है, इसलिए मुस्कुरा रही हैं। हाँ हाँ, अब यहां पे बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं। नवीन जी ने, मोदी जी ने आपको पान दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कांग्रेस पार्टी क्या देने जा रही है। हम आपको सारे के सारे बेरोजगार युवाओं को, जिनके पास यूनिवर्सिटी कॉलेज डिग्री है, डिप्लोमा है, आपको हम 1 साल की पहली नौकरी की गारंटी, मतलब अधिकार देने जा रहे हैं। आपने पिछले 10 साल बहुत सारे लोगों से हाथ जोड़ के रोजगार मांगा ना, सड़कों पे मांगा ना। हमारी सरकार आएगी, अगर आपने यही सरकार से किया, अगर हिंदुस्तान का कोई भी युवा सरकार से नौकरी मांगेगा तो सरकार गारंटी करके उसे 1 साल की नौकरी देने जा रही है। कहा पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल नौकरी का आपको अधिकार दिया जा रहा है। आप जाओगे, सरकार को कहोगे मैं बेरोजगार हूं, 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बेरोजगार रखा, अब आप मुझे रोजगार दीजिए। इंडिया की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार आपको प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल की अप्रेंटिसशिप, 1 लाख रुपए साल का बैंक अकाउंट में, और दुनिया की सबसे बेहतर ट्रेनिंग आपको 1 साल के लिए 8,500 रुपए महीने के खटाखट 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 आपके बैंक अकाउंट में। भाइयों और बहनों समझ लो, नवीन जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने, अंकल जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया, अब हम करोड़ों लोगों को लाखपति बनाने जा रहे हैं। हजारों को नहीं, लाखों को नहीं, करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट में हम 1 लाख रुपए साल का डालने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं, मैं साफ कहता हूं,
अगर आपने 10 साल अदानी को करोड़ों रुपए दिए तो हम अगले 10 साल